हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं करवाने वाला हूँ रीजनिंग पजल्स, एक बहुत अच्छी पजल करवाने वाला हूँ। आप खुद भी पहले एक बार ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। जब भी मैं अभी ये आपको ये पजल दिखाऊंगा, वीडियो को एक बार पॉज करें और पाँच मिनट दें, सिर्फ 5 से 7 मिनट। कोशिश करें सॉल्व करने की, अगर सॉल्व होती है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर कन्फर्म करें, अगर नहीं होती है तो आगे बिल्कुल देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज़रूरी है। नीचे सब्सक्रिप्शन का आपको बटन मिल जाएगा। तो चलिए, ये है हमारी आज की पज़ल, बहुत इम्पॉर्टेंट पज़ल है। एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एक्स वर्क्स ओनली ऑन मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडेज एंड सैटरडेज। एक हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, थर्सडे काम नहीं करते और संडे काम नहीं करते। ही परफॉर्म्स 4 डिफरेंट एक्टिविटीज़, 4 तरीके के काम है, लेक्चरिंग, कंडक्टिंग क्विजेज, एवेल्यूएशन ऑफ क्विजेज एंड वर्किंग ऑन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स। तो 5 दिन काम करते हैं, 4 तरह के काम करते हैं। ईच वर्किंग डे ही परफॉर्म्स एग्जैक्टली 1 एक्टिविटी इन द मॉर्निंग एंड 1 एक्टिविटी इन द आफ्टरनून। दिन में 2 काम करते हैं, 1 काम सुबह करते हैं, 1 काम शाम को करते हैं, राइट? समझ लीजिए, 5 दिन काम करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे और सैटरडेज, 5 दिन काम करते हैं। 4 तरीके का काम है, लेक्चरिंग, कंडक्टिंग क्विजेज, एवेल्युएशन ऑफ क्विजेज और कंसल्टेंसी का, 4 तरीके का काम है। 1 काम सुबह किया, 1 काम शाम को किया, राइट? ये एक पूरी पजल का जिस्ट था। अभी कंडीशंस हैं कुछ, ईच वर्क हिज वर्क शेड्यूल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले तो करने का एक तरीका, सबसे पहले डेज लिख लें। एक तो मंडे है, उसके बाद ट्यूसडे है, फिर है अपना वेंसडे, फिर है फ्राइडे और फिर है सैटरडे, राइट? ये वाली साइड पे राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे मॉर्निंग का शेड्यूल आ जाएगा आपका। यहाँ पे मॉर्निंग का शेड्यूल लिख लें और यहाँ पे आफ्टरनून का, राइट? तो करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। राइटिंग थोड़ी खराब है, एडजस्ट कीजिए। ही कंडक्ट क्विजेज ऑन एग्जैक्टली 3 मॉर्निंग्स, 3 मॉर्निंग्स में। अभी 5 दिन है, 5 में से 3 दिन तो जी भाई साहब क्विज करते हैं, 3 दिन वो क्विज करते हैं, राइट? और बाकी अभी 1 दिन में 1 ही काम करना है, तो टोटल यहाँ पे 5 काम यहाँ होंगे मॉर्निंग में, 5 काम आफ्टरनून में। 3 दिन तो जी इन्होंने मॉर्निंग में क्विज कर लिए। इफ़ ही कंडक्ट क्विज ऑन मंडे ही डजंट कंडक्ट द क्विज ऑन ट्यूसडे। अगर मंडे को क्विज करते हैं तो ट्यूसडे को नहीं करते, ठीक है, मान लिया। अभी इस पे बाद में काम करेंगे। ही लेक्चर्स इन द आफ्टरनून ऑन एग्जैक्टली 2 consecutive calendar days। ये लाइन पढ़िए, मोस्टली अगर आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ने भी ये ट्राई किया होगा, इसी लाइन में गलती करी होगी। एक बार देखने पे मैं भी थोड़ा सोचने लगा कि ये क्या था, थोड़ा समझिए। ही लेक्चर्स इन द आफ्टरनून, पहली बात तो 2 consecutive calendar day का मतलब क्या है? 2 consecutive calendar day का मतलब ये है मंडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, ये वेंसडे के बाद थर्सडे होता है, तो यहाँ पे ये कंजेक्टिव कैलेंडर डे तो नहीं हुए ना, वेंसडे थर्सडे तो है ही नहीं, थर्सडे और फ्राइडे भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 2 calendar days हैं, तो यहाँ पे 2LL ऐसे आएगा और यहाँ में किसी 2 में आएगा, वो देखते हैं आगे, देखते हैं अभी। ही एवेल्युएट्स क्विजेज ऑन एग्जैक्टली 1 मॉर्निंग एंड 3 afternoons। ही एवेल्युएट क्विजेज, यहाँ पे एक एवेल्युएशन का एक और आ गया, और 2L तो यहाँ पे पहले ही था, एक और L यहाँ पे आ जाएगा, एक और E आ जाएगा एवेल्युएशन वाला। एवेल्युएशन को मैंने E बोल दिया है, क्विजेज को Q बोल दिया है, कंडक्टिंग ऑफ क्विजेज को, और लेक्चरिंग को L बोल दिया मैंने, ठीक है। ही वर्क्स ऑन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट ऑन एग्जैक्टली 1 मॉर्निंग। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे ही वैलिड क्विज ऑन एग्जैक्टली 1 मॉर्निंग एंड 3 afternoon, यहाँ पे 3 था। जो इवेल्युएशन था, मॉर्निंग में 1 है और इवनिंग में 3 है, यहाँ पे 3 है, ये तो कंप्लीट हो गए भाई। आफ्टरनून में 3 दिन इसने इवेल्युएशन करे हैं, 2 दिन इसने लेक्चरिंग करी है, और एक और ये था, ही वर्क्स ऑन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट ऑन एग्जैक्टली 1 मॉर्निंग। तो एक
कंसल्टेंसी, इसने एक दिन कंसल्टेंसी करा, एक दिन इसने एवेल्युएशन करा और 3 दिन क्विजेज करा। हमें एग्जैक्टली पता चल चुका है कि दोनों साइड में कौन कौन से काम कर रहे हैं इसने, मॉर्निंग में कौन से काम करें और इवनिंग में कौन से काम करता है ये। तो आगे आइए, ही वर्क्स ऑन कंसल्ट, ही ऑन सैटरडे ही नेदर लेक्चर्स नॉर कंडक्ट क्विजेज। और सैटरडे को ना तो ये कोई लेक्चर लेता है, यहाँ पे लेक्चर नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड की बात करूँ, लेक्चर नहीं आ सकता। दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो लेक्चर लेगा या ये अपना अपना क्या कहते हैं इवेल्यूएशन करेगा। लेक्चर नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इवेल्यूएशन ही करेगा। चलिए कुछ तो पता चला। तो आगे देखते हैं, अभी फ्राइडे और सैटरडे को ये बंदा जो है अभी अपना कंजेक्यूटिव, ये वाला पढ़िए दोबारा से, ये वाला कंजेक्यूटिव डे होने चाहिए थे। वेंसडे फ्राइडे तो पहले नहीं हो सकता था, फ्राइडे सैटरडे भी नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे भी इवेल्युएशन आ जाएगा। 100% श्योर है ये आएगा, ये आएगा। तो आगे चलते हैं, अभी ये लेक्चर वाला देखिए, टू कंजेक्यूटिव डेज, मंडे ट्यूसडे भी कंजेक्यूटिव है, ट्यूसडे वेंसडे भी कंजेक्यूटिव है, तो दो केसेस बन जाएंगे, एक तो ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा, राइट। दो केसेस बनते हैं। तो इसके अलावा पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है, एक चीज़ समझ लीजिए, ये पज़ल मैंने आई थिंक 2000 पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी ईयर का पेपर था, बहुत अच्छी पज़ल लगी। तो इसमें ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इसको आप कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते, बट जितना इन्फॉर्मेशन आपने निकाला है उसी के हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये पज़ल आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते को मंडे को मॉर्निंग में ये काम किया था, मंडे को इवनिंग ट्यूसडे को अपने मॉर्निंग में ये किया, इवनिंग में आफ्टरनून में ये किया, एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। जितनी इंफॉर्मेशन आती है उससे ही आंसर निकालना है। तो समझिए ये आपकी पॉसिबिलिटीज जो हैं ये बनती हैं, राइट। अगर जो ये मंडे और ट्यूसडे को ये लेक्चरिंग करता है दो दिन, राइट, तो ऑब्वियसली वेंसडे को अपना वैल्यूएशन ही करेगा, राइट। तो बाकी के दिन तो वैल्यूएशन करेगा ना, ये समझ रहे हैं। तो ये आपकी जो है दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, दो पॉसिबिलिटी राइट हैंड साइड की आफ्टरनून की बन गई। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे वापस आ जाइए। सैटरडे को तो जी ये बंदा को जो क्विज है वो कंडक्ट कर ही नहीं सकता, ये लिख के रखा हुआ है हमने पहले से। ये देखिए, सैटरडे को लेक्चर नहीं ले सकता और कंडक्ट क्विज भी नहीं कर सकता, या तो यहाँ पे ई आएगा या इवेल्युएशन आएगा या सी कह लीजिए जो अपनी कंसल्टेंसी का काम करता है वो करेगा, क्विज तो नहीं कर सकता, राइट। तो इसने बोला है कि अगर ये मंडे को, इफ ही कंडक्ट क्विज ऑन मंडे, तो ही डजंट कंडक्ट अ क्विज ऑन ट्यूसडे। अगर मंडे को मान लीजिए क्विज कर लिया, तो ट्यूसडे को फिर ई और सी इन दोनों में से एक काम करेगा, और बाकी देखिए दो स्पॉट्स बची हैं तो उसमें ऑब्वियसली क्विज ही करेगा, समझ रहे हैं। ये पॉसिबिलिटीज बनती है आपकी। अगर ये ट्यूसडे को आपका वो करता है, क्या कहते हैं उसे, कंडक्ट करता है क्विज, तो ऑब्वियसली, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई और सी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी ई और सी तो रहेगा ही रहेगा। इतनी इंफॉर्मेशन जो है आप निकाल सकते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन निकली है अभी आपकी, इसके बेसिस पे आपने सारे के सारे जो भी 4 क्वेश्चन है वो उसका आंसर निकालना है। थोड़ी लंबी हो पजल, एक्चुअली देखिए ध्यान से देखिए, पजल इतनी लंबी नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन ये है कि जो पजल ज़्यादा लंबी हो जाती है मतलब जी वो डिफिकल्ट है, वही आएगी पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ी पजल डिफरेंट है, ये पूरी सॉल्व नहीं हो रही है, जितनी इंफॉर्मेशन दी है उससे ये पूरी सॉल्व नहीं हुई। अभी देखिए आपको दिखाता हूँ, ये पहला क्वेश्चन है, ऑन वेंसडे द प्रोफेसर कुड बी शेड्यूल टू, वेंसडे को उसका क्या शेड्यूल हो सकता है प्रोफेसर का, ध्यान से देखिए, वर्क ऑन अ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इन द मॉर्निंग, क्या ये देखिए, मॉर्निंग में कंसल्टेंसी एंड आफ्टरनून में क्विज। आफ्टरनून में तो वो कर ही नहीं सकता था ना क्विज, अगर इसमें ध्यान से देखिए आप तो ये अपने पेपर में सामने बना लेंगे, इतनी स्पेस थी नहीं वहां पे। आफ्टरनून में देखिए, आफ्टरनून में तो कोई क्विज हो ही नहीं सकता यहाँ पे, आफ्टरनून में या तो इवेल्युएशन है या लेक्चरिंग है, तो पहली ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी एलिमिनेट हो जाती है, राइट। लेक्चर इन द मॉर्निंग एंड इवेल्युएट द क्विज इन द आफ्टरनून, अभी क्या ये पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, लेक्चर इन द मॉर्निंग। दूसरी चीज,
मॉर्निंग में तो जी कोई लेक्चर हो ही नहीं सकता ना। देखिए मॉर्निंग में तो इसने कोई लेक्चर करा ही नहीं है, लेक्चर तो हमेशा ही आफ्टरनून में हुए हैं, दो लेक्चर हैं और आफ्टरनून में कंसेकटिवली हुए हैं, तो ये ऑप्शन भी आपकी हो जाती है जी कैंसल आउट। दूसरा देखिए, कंडक्ट अ क्विज इन द मॉर्निंग एंड लेक्चर इन द आफ्टरनून। कंडक्ट अ क्विज इन द मॉर्निंग, क्विज मान लीजिए ये एक पॉसिबिलिटी है, क्विज इन द मॉर्निंग एंड लेक्चर इन द आफ्टरनून ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो इन्होंने पूछा है कि वट कुड बी, इस वर्ड को ध्यान से पढ़िए पॉसिबिलिटी। कल भी आपको मैंने सायलॉजिज्म का जो मैंने चैप्टर करवाया था, पॉसिबिलिटी का केस देखिए, इसने पूछा है कुड बी, मस्ट भी नहीं है, एक वर्ड जो है पूरे क्वेश्चन को चेंज करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग में क्विज हो और इवनिंग में आपका जो है आफ्टरनून में लेक्चर हो, क्या हो सकता है? इसने ऐसा नहीं बोला कि होना ही चाहिए, क्या हो सकता है? कुड बी। तो देखिए ध्यान से, मॉर्निंग में क्विज यहां पे ये आ जाए और आफ्टरनून में लेक्चर, तो हो सकता है, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर यहां पे मॉर्निंग में क्विज हो और आफ्टरनून में लेक्चर हो, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो इसका जी सी जो है वो आंसर आपका बनता है, इसे टिक करें और घर आए। राइट, सी आपका आंसर है, मॉर्निंग में बिल्कुल क्विज हो सकता है। राइट, तो यहां पे देखिए अगला ऑप्शन भी, अगर आपने एलिमिनेशन से ही करना था, कंडक्ट अ क्विज इन द मॉर्निंग, इवनिंग में इसने बोला कंसल्टेंसी, इवनिंग में या तो ये इवेल्युएशन करता है या ये लेक्चरिंग करता है, तो सवाल ही नहीं उठता कंसल्टेंसी का, तो ये चौथी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसल आउट हो जाती है। राइट, तो कुछ डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा लंबा लग रहा है बट इतना कुछ है नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, देयर इज वन डे ऑन विच ही इवेल्युएट्स क्विजेस बोथ इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। अभी ध्यान से देखिए, अभी इसने देखिए वर्ड को ध्यान से समझिए, पहले कुड था, यहां पे मस्ट है, मस्ट मतलब होना ही चाहिए, कुड वाली पॉसिबल नहीं, मस्ट बी, 100% श्योर हो तभी बताओ। क्या सुबह क्विज को इवेल्युएट करे और शाम को भी क्विज को इवेल्युएट करे, ऐसा कुछ पॉसिबल है? 100% का मतलब जैसे यहां पे क्यू क्यू है, दोनों जगह इवेल्युएशन इवेल्युएशन हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे कहीं पे हम मॉर्निंग में तो क्लियर ही नहीं है ना हमें, हो सकता है यहाँ पे अपना कंसल्टेंसी का काम कर दे या यहाँ पे भी कर सकता है, तो मॉर्निंग में तो हमें क्लियर ही नहीं है कि इसने इवेल्युएशन करना है कि अपना कंसल्टेंसी का काम करना है, और का केस लगा हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो जी बिल्कुल कैंसल आउट कर दो। He works on the consultancy project on one of the days on which he lectures. ये must का केस है, 100% श्योर होना चाहिए। अभी ये पूछ रहा है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है कि जिस दिन इसने कंसल्टेंसी का काम किया, देखिए कंसल्टेंसी और इवेल्युएशन का मॉर्निंग में कुछ आइडिया ही नहीं है, हो सकता है इस दिन इवेल्युएशन करा हो या कंसल्टेंसी करा हो, कुछ पता ही नहीं है, और का केस है, पॉसिबिलिटी का केस होता तो कुछ कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, और का केस है, तो बिल्कुल जी कैंसल आउट हो जाता है ये। He works on consultancy project on one of the days on which he evaluates the quizzes. He works on consultancy projects on one of the days on which he evaluates the quizzes. अभी देखिए जहां भी ये evaluation और consultancy की बात आ जाती है, आप sure नहीं हो सकते, और का केस लग चुका है, मतलब consultancy हो सकता है इसने यहां पे करी हो या यहां पे करी हो। देखिए यहां पे अगर इसने consultancy करी है और यहां पे एक ही दिन कर सकता है कंसल्टेंसी और यहाँ पे इसका लेक्चरिंग है, तो अगर यहाँ पे कंसल्टेंसी है तो यहाँ पे इवेल्युएशन होगा, तो ये वो वाला केस आपका जो है वो कैंसल आउट हो जाता है, तो आप पक्के ही तरीके से नहीं कह सकते, तो ये तो बिल्कुल जी कैंसल आउट हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ही लेक्चर्स ऑन वन ऑफ द डेज ऑन विच ही इवेल्युएट्स द क्विजेस। ही लेक्चर्स ऑन वन ऑफ द डेज, अभी ये देखिए फिर से वही बात आ गई है, अभी ही लेक्चर्स या ये वाले जो सीन है यहाँ पे लेक्चर्स वाले सीन है, ये तो या होगा ये वाला होगा सीन, ये वाली पॉसिबिलिटी है या ये वाली पॉसिबिलिटी है, अगर दो शेड्यूल्स की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मान लीजिए अगर मैं ये पहला मंडे वाला आफ्टरनून ये वाला केस देखूँ, ये वाला, तो देखिए यहाँ पे ई और सी फिर से आ चुका है, मतलब मॉर्निंग में तो हम श्योर ही नहीं है कि आपका क्या होगा, इवेल्युएशन करेगा या आपका कंसल्टेंसी करेगा, कई पूरे क्वेश्चन में क्लियरली दिया ही नहीं हुआ कुछ भी, तो ऑब्वियसली ये भी आपका वैसे कैंसल आउट होता है। लास्ट का ऑप्शन फिर भी हम देख लेते हैं, ही लेक्चर्स ऑन वन ऑफ द डेज ऑन विच शी कंडक्ट द, वैसे यहाँ पे ही शी का बहुत पंगा है, ही कंडक्ट लेक्चर्स ऑन वन ऑफ द डे ऑन विच ही कंडक्ट द क्विज,
एक दिन में उसने लेक्चर दिया है और क्विज भी कंडक्ट किया है, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है लेक्चर भी हो और क्विज भी हो? ये देखिए, इस दिन में आपका क्विज है, ये वाला दिन देखिए, इस दिन में आपका क्विज है, और अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है, अगर मान लीजिए पहली वाली पॉसिबिलिटी है तो एक सेकंड रुक जाइए, अगर पहली वाली पॉसिबिलिटी, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल सही है, अगर पहली वाली पॉसिबिलिटी है, देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ पे मॉर्निंग की दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी दो पॉसिबिलिटी, आफ्टरनून की दो पॉसिबिलिटीज है, एक पहली पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी। आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले मॉर्निंग की पहली पॉसिबिलिटी उठानी है, उसमें चेक करना है क्या ये कंडीशन पहली दूसरी में सेटिस्फाई करता है, यस और नो, फिर दूसरी वाली उठानी है, फिर चेक करना है सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अभी ये क्या पूछ रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मॉर्निंग में क्विज हो और इवनिंग में आपका जो है लेक्चर हो, आप पहले पहली वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है इसको देखिए। अभी यहाँ पे क्यू है, देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में अगर ये आपका क्विज है और इवनिंग में लेक्चर दोनों जगह है, पहली वाली पॉसिबिलिटी उसके हिसाब से ये ट्रू है जी, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं इसको देखूं, ट्यूसडे को देखूं, तो ये दोनों को सेटिस्फाई ये देखिए कर रहा है। अभी दूसरी वाली पॉसिबिलिटी पे आते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी पे आते हैं, थोड़ा सा आपके लिए कलर भी चेंज कर देते हैं आप कहते हैं तो। हाँ, अभी ये वाली पॉसिबिलिटी पे आते हैं, देखिए ये वाली, पहले मैंने, ये पहली पॉसिबिलिटी है और ये मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखिए, पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर ये वाला सीन होता, पहली पॉसिबिलिटी ये वाला, अगर मैं ट्यूसडे को देखता, मॉर्निंग में क्विज था और इवनिंग में दोनों जगह लेक्चर है, तो ये जो है पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से ट्रू हो गया जी। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, अभी इसके हिसाब से देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दूसरी पॉसिबिलिटी में कोई भी उठा लीजिए, दूसरी पॉसिबिलिटी में आप वेंसडे को देख लीजिए, इसको देखिए एक बार, कैसा पॉसिबल है दूसरी पॉसिबिलिटी में, अगर वेंसडे को आपका क्विज होता तो ये वाला आपका सेटिस्फाई करता है, राइट करता है, और दूसरा देखिए, दूसरा कुछ भी उठा के देख लीजिए, मंडे को ये क्विज था तो ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। अलग अलग दिन उठा लीजिए ना, किसने बोला एक ही दिन को उठाना है, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी में वेंसडे को क्विज है और इवनिंग में ये क्या कहते हैं आपका वो है, क्या कहते हैं, लेक्चर है, अगर मंडे को मॉर्निंग में क्विज है तो इवनिंग में लेक्चर है, समझ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, आपको बस ध्यान से ये देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये चीज़ था कि मॉर्निंग की पहली पॉसिबिलिटी ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, आफ्टरनून की पहली एंड दूसरी पॉसिबिलिटी, और मॉर्निंग की दूसरी पॉसिबिलिटी ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, आफ्टरनून की पहली और दूसरी पॉसिबिलिटी, ये अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई कर सकती है, जैसे कि आफ्टरनून में हुआ है, ध्यान से देखिए, आफ्टरनून में क्या हुआ कि ये क्विज है, वेंसडे को अगर मॉर्निंग में क्विज होता है तो आफ्टरनून में आप कह लीजिए आपका लेक्चर होता है, अगर मंडे को मॉर्निंग में क्विज होता है तो आफ्टरनून में लेक्चर होता है, तो ये पहली और दूसरी कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, पहली और दूसरी पॉसिबिलिटी इसको दोनों को इसने सेटिस्फाई कर दिया, राइट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें, बट ध्यान से समझेंगे तो कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वैसे तो एलिमिनेशन से ही ये क्वेश्चन हो जाता अगर मैं ध्यान से देखूं तो, एलिमिनेट तो मैं ऑलरेडी कर चुका था आपको समझाने के लिए, मैं इतनी दूर गया, इतनी दूर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर आप एलिमिनेशन यूज़ करते। पजल में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेशन करिए, इतना टाइम खराब मत कीजिए, कई बार हो सकता है जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया है इसको एग्जैक्टली करने में बहुत टाइम लग गया, राइट, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन करते तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रोफेसर कंडक्ट्स अ क्विज ऑन ट्यूजडे देन हिज शेड्यूल फॉर इवेलुएटिंग द क्विजेज कुड बी, अगर ट्यूजडे को ये अपना क्या कंडक्ट करता क्विज, सबसे पहले आपने एलिमिनेशन वाली टेक्निक यूज कीजिए कि ये देखिए, अगर आप ध्यान से इसे देखें, आफ्टरनून में सिर्फ लेक्चर दे सकता है या इवेल्युएशन कर सकता है, ठीक है, अगर आफ्टरनून में ऐसा कुछ भी है, क्विज है या आपका ये है क्या था कंसल्टेंसी वाला कोई भी काम करा हुआ है, तो उसको पहले कैंसल आउट कर दीजिए, राइट। मंडे मॉर्निंग, अभी ये क्या कहता है कि क्विज कंडक्ट कर रहा है, ये क्विज कंडक्ट कर रहा है ट्यूसडे को, तो इवेल्युएशन की क्या इसकी
द शेड्यूल फॉर इवेल्युएशन, राइट। तो मंडे मॉर्निंग, मंडे आफ्टरनून, फ्राइडे, इसको ध्यान से हमें उस जो हमने करा था पहले उस पर ध्यान वापस जाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए इवेल्युएशन का क्या होगा सीन, ये आपकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तीन तो यहां पे हैं और एक यहां पे है, राइट। अगर ये कब करता है, अगर ये ट्यूसडे को कंडक्ट करता है क्विज, तो इवेल्युएशन ट्यूसडे को क्विज कंडक्ट किया जी, ये वाली पॉसिबिलिटी जो है कैंसिल आउट कर दीजिए, ट्यूसडे को क्विज कंडक्ट करता है। अभी ये दूसरी पॉसिबिलिटी पे सीन नहीं जा रहा है, ये पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि ट्यूसडे को, कौन सा डे था, हाँ ट्यूसडे को अगर क्विज कंडक्ट हुआ है तो इवेल्युएशन का क्या शेड्यूल जो है वो हो सकता है, राइट। अभी इवेल्युएशन का ये शेड्यूल हो सकता है, देखिए या तो ये हो सकता है कि मंडे मॉर्निंग को भी इवेल्युएशन हो सकता है और सैटरडे मॉर्निंग को भी इवेल्युएशन हो सकता है। सबसे पहले तो मॉर्निंग का देख लेते हैं, मॉर्निंग में हो सकता है कि मंडे को कर ले या सैटरडे को कर ले। इवनिंग में कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, इवनिंग में देखिए पॉसिबिलिटीज पहली तो बनती है कि या तो जी इवेल्युएशन मंडे आफ्टरनून, एक्चुअली आफ्टरनून है ये, सॉरी, तो आफ्टरनून में पॉसिबिलिटी बनती है, मंडे को, ट्यूसडे को नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। और वेंसडे को पॉसिबिलिटी, जी हाँ बिल्कुल है, वेंसडे को भी है, फ्राइडे को भी है और सैटरडे को भी है। ध्यान से देखिए ट्यूसडे को कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज जो है बनती हैं और इसके हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देख लीजिए इवेल्युएशन मंडे और सैटरडे को ही हो सकता है, अभी इवेल्युएशन मंडे मॉर्निंग, मंडे आफ्टरनून, फ्राइडे मॉर्निंग को इवेल्युएशन हो सकता है क्या, देखिए फ्राइडे मॉर्निंग को इवेल्युएशन नहीं हो सकता है, तो ये पहली वाली जो ऑप्शन है ये कैंसिल कीजिए, क्योंकि ये आपकी फ्राइडे मॉर्निंग जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, और मंडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग, एक सेकंड रुकिए, मंडे और सैटरडे मॉर्निंग ही पॉसिबल है, और कोई भी वेंसडे मॉर्निंग आ गई, देखिए ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, वेंसडे मॉर्निंग फिर से आ गया, पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, और कुछ देख लीजिए। एक और पॉइंट यहाँ पे रहता है, मंडे मॉर्निंग एंड सैटरडे मॉर्निंग, जबकि यहाँ पे देखिए इवेल्युएशन मॉर्निंग में एक ही हो सकता था, जबकि इसने दो बोला है यहाँ पे, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, मंडे मॉर्निंग और क्या कहते हैं आपका सैटरडे मॉर्निंग ये पॉसिबल नहीं है, मंडे और सैटरडे में से सिर्फ एक दिन ही हो सकता था, जबकि इसने दो लिखे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, एक ऑप्शन बची है, इसको टिक करें, आंसर आपका जी ई। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ डे ऑन विच प्रोफेसर लेक्चर्स, मंडे मस्ट बी, ध्यान से देखिए मस्ट बी, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, मस्ट बी का कौन सा केस बनता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखिए मस्ट बी, ये रहा मस्ट बी का केस, ट्यूजडे, समझ रहे हैं, कोई भी केस हो, चाहे पहला पॉसिबिलिटी हो चाहे दूसरा हो, लेक्चरिंग तो जी ट्यूजडे को ही होगी, तो ट्यूजडे इज योर आंसर, एंड इसका फोर्थ का जो आंसर है ये है बी। तो चलिए आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर थोड़ा पसंद आया होगा, थोड़ा सा ये मैं आई थिंक मैंने क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया आज, तो ऐसे क्वेश्चन जो है IBPS PO मेंस में या प्री में SBI में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, देखने में छोटे हैं लेकिन धमाल करते हैं, ये पेपर में बिल्कुल हिला के रख देते हैं कई बार, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये था बीच बीच में, कुछ एक वर्ड्स थे या आप कह लीजिए क्वेश्चंस लंबे लंबे थे, ऐसे क्वेश्चन आजकल देखने को बहुत मिल रहे हैं, आप ज़्यादा इतने ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आते लेकिन कंफ्यूज करने वाले पेपर ज़रूर देखे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे और क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा मैं वर्कबुक भी प्रोवाइड करूँ, और जो टेलीग्राम का चैनल है हमारा नया, इसको ज़रूर आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, t.me/bankexamstoday, बस ये हमारा टेलीग्राम का जो है ये लिंक है, इस पे जाके चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है आने वाले थोड़े टाइम में, वैसे हमने बनाया हुआ है ग्रुप टेलीग्राम का, उसका मैं देख रहा हूँ कि कैसे ग्रुप में हम कैसे बातचीत कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ रेगुलर बेसिस पे, तो आई एम वर्किंग ऑन इट, तो जल्दी मैं वो भी ले आऊँगा डिस्कशन का, एक अच्छा फॉरम मोबाइल के लिए,
जीके डाइजेस्ट जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है इसको ज़रूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखिए, जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पीओ लेवल का पेपर देने जाते हैं मेंस का, तो अगर आपकी जीके स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी से स्ट्रांग करके चलिए। हम जो सारे टीचर्स हैं सारा दिन बैठ के हम जीके के लेक्चर्स बनाते हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए मैं 4 बजे के बाद यही काम करता हूँ, 4 से लेकर 7 बजे तक मैंने बिल्कुल रिजर्व करके रखा है कि मैं यूट्यूब पर अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़ बनाऊँगा, लेकिन 4 बजे से पहले मेरा काम जीके डाइजेस्ट और bankexamstoday.com पे ही काम करना है। तो IBPS PO मेगा प्रिपरेशन सीरीज़ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सीरीज़ पे प्लीज़ इनरोल कीजिए जाके। इस पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF फाइल सब कुछ जो है इसके अंदर मिलेगा, और gkdigest.com पे जाके ही आप इस पर इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कर लीजिए, तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट्स का। इस जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस बनाऊं, दिन में 3-3 लेक्चर्स बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।